हाय एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला बाय सुप्रीत धमीजा। मेरा नाम है सुप्रीत एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डिस्कशन। अब ये जो वीडियो है यू कैन यूज़ इट फॉर एनी कॉन्टेक्स्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ योर एग्जाम्स। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि सारे टॉपिक्स में से जब हमें एक छांट कर लिस्ट बनानी होती है तो उसमें कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा, बिकॉज कंपैरेटिव इज़ अ वेरी वास्ट यूनिट। सो उसके लिए आई हैव ब्रॉट यू अ स्मॉल वीडियो सो दैट यू कैन डिफाइन कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जो पिक कर अपना प्रिपरेशन को एक आइडिया, एक आउटलाइन देना है। टॉपिक्स हम सारे कवर कर लीजिए, आई हैव नो इशू। दिस इज़ फॉर पीपल जो थोड़ा सा स्ट्रगल करें और आप वर्किंग या ऑफिस जॉब्स का बहुत सारे इश्यूज़ है उसके साथ प्रिपरेशन करें किसी भी एग्जाम की। सो यू कैन यूज़ दिस वीडियो फॉर योर हेल्प इन डिफाइनिंग व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड क्विकली वॉच व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। टेक डाउन अ नोटबुक, मेक डाउन द इम्पॉर्टेंट लिस्ट, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लाइक एंड कमेंट द वीडियो अगर आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या है। यस एवरीवन, एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो आई गेस दिस इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर NTA, UGC, NET और फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इज़ प्रिपेयरिंग फॉर JNU एज फॉर दैट मैटर। लास्ट वीडियो के नीचे आई गॉट अ कमेंट वेयर स्टूडेंट वॉज आस्किंग मी अबाउट मानवी मित्तल, यस शी आस्क्ड मी अबाउट JNU एंट्रेंस का आइडिया ऑफ MA इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट, बट बिफोर दैट आई हैड दिस वीडियो लाइंड अप। सो फॉर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यू कैन यूज़ दिस वीडियो फॉर फाइंडिंग आउट योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सो चलिए जल्दी से समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपको क्या करने होंगे। तो सबसे पहले तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि अप्रोचेज का आपको एक चैप्टर शुरू में दिया गया है यूनिट नंबर 1 में। उस अप्रोचेस के चैप्टर में बहुत सारे अप्रोचेस ऐसे भी हैं जैसे ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट कैटेगरीज या दोज डेफिनेशंस। व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट ओवर हियर इज़ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखने में या मार्क करने में मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सके। अब जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी पिक कर लेते हैं, अब एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, लेबर थ्योरी है, मार्क्स से कनेक्शन है, लेनिन का इम्पीरियलिज्म का फैक्टर है, सब इसी में आएगा, सारा का सारा इसी में आता है। तो इन अप्रोचेस से कैसा क्वेश्चन आएगा, इन अप्रोचेस से प्लेस ऑफ स्टार्टिंग आता है कि अप्रोच कब स्टार्ट हुए थे, कहाँ से स्टार्ट हुए थे। अप्रोचेस का एक आइडिया तो आपको लग ही जाता है नाम से भी, और आपने इतना तो ऑफकोर्स इतने लेवल पर आकर पढ़ ही लिया है कि आपको अप्रोचेस का मीनिंग बताओगा। बट थिंकर्स पे आप ध्यान दीजिए, थिंकर्स एंड थिंकर्स का बुक्स एंड बुक्स का एक ईयर का अंदाज़ा, सो बेसिकली वो आपका सबसे बड़ा कैटेगरी हो गया। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी का मैंने आपको थिंकर्स में एग्जांपल दिए, थ्योरी दी है, अब मैं कल्चर बताती हूँ पॉलिटिकल कल्चर में क्या क्वेश्चन आने का चांस रहता है। एक तो आपको तीनों टाइप के कल्चर, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट और पेरोकियल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, उनके बीच तीनों के बीच इंटर डिफरेंस क्या है, मतलब इंटर कैटेगरी डिफरेंसेस क्या है, पेरोकियल पार्टिसिपेंट से अलग कैसे, सॉरी सब्जेक्ट पेरोकियल से अलग कैसे, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन पेरोकियल पर आता है। दूसरा, स्टार्टिंग प्लेस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है जहाँ पर सर्वे हुआ था जो मैंने आपको बहुत बारी कराया, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुआ था पॉलिटिकल कल्चर। और एक नया क्वेश्चन मैंने जो काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया वो मैंने अपनी PDFs में दिया हुआ है, अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ हैं कनेक्टेड तो आपके पास वो PDF होगी। मैंने ओरिएंटेशंस डिस्कस करी हैं आपके साथ, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इवैल्यूएटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, तीनों ओरिएंटेशन के बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। एक जो क्वेश्चन आई हैव फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर ऑफ बीइंग टुगेदर
इन दिस जर्नी विद यू आई हैव रियलाइज, जब भी मैं क्वेश्चंस पेपर रीड करें एनालाइज करें, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे आजकल बहुत क्वेश्चंस आने लग गए, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लमैटिक एरिया भी है. इसका भी पीडीएफ अवेलेबल है, इसका भी कंटेंट मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन करा हुआ है. फिर भी मैं बताती हूँ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का बेसिक आइडिया और वो इंस्टीट्यूशनलिज्म से क्यों अलग है. तो क्वेश्चन आने का चांस है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनलिज्म. तो आप एक थ्योरी को अकेले पढ़ने से ज़्यादा उसका कंपैरिजन पढ़ लीजिए इंस्टीट्यूशनलिज्म के साथ, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू जो आपको याद करना है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के दो या तीन प्रोपोनेंट्स जो सबसे बड़े रहे हैं अभी तक वो याद करने हैं. इसके बाद आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि एक स्टेट थ्योरी करके एक टॉपिक है, उसमें अलग अलग स्टेट्स कैसे काम करती हैं वो है. तो जैसे दो मैक्सिमम, वैसे तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है पोस्ट कॉलोनियल से एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी जितने जितने देशों में कॉलोनियलिज्म के बाद क्या असर छूटा है, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं या उसके हमें क्या वैलिड एक देखने को मिलते हैं सिम्टम्स, वो है. सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के बीच का एक अंतर आ जाता है, एक जनरल क्वेश्चन है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ मतलब ऐसे है कि बाकी टॉपिक से कंपेरिजन में लाइट टॉपिक है, बट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार. आजकल एक बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वेलफेयर स्टेट से आ रहा है, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर्स में बहुत आता है हर एंट्रेंस में, कि वेलफेयर स्टेट की निशानियां क्या होती हैं, उसके सिंबल्स क्या होते हैं वो बता दीजिए. फिर बात करते हैं पॉलिटिकल रेजिम्स की. तो पॉलिटिकल रेजिम्स में आप ध्यान दो, यहाँ पर डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में ये बटी हुई हैं. तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक का मैंने आपको सब कुछ नहीं दिया है, ब्रेक करके दिया है. जैसे इलेक्टोरल, लिबरल, मेजॉरिटेरियन और पार्टिसिपेटरी, ये चारों आपने रीड करने हैं, इनको अलग, इनका कोई कंपेरिजन हमें नॉन डेमोक्रेटिक से करने की ज़रूरत नहीं है, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में मैंने बहुत सारे कट कर दिए हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म कट कर दिया, पैट्रिमोनियलिज्म कट कर दिया, मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया. टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, इनका अंतर समझ लीजिए. एक क्वेश्चन जो 110% में शॉर्ट गारंटी से बोल सकती हूँ वो है टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म का कंपैरिजन बहुत इफेक्टिवली आता है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर बिटवीन टोटलिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म. उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट. रूल ऑफ लॉ हमारी सोसाइटी में यूज़ किया जाता है, आप सबको पता है ये बात. रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, इसी पर ही हमारे इक्वालिटी के आर्टिकल्स बेस्ड हैं, 14 के दोनों पार्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. वो हो गया इंडिया के केस में. रूल ऑफ लॉ की हिस्ट्री ये भी डाइसी से है, देश कौन सा है जिससे हमने लिया अपने में और सबसे पहले कहाँ आया था. और एक जो सबसे बड़े क्वेश्चन, लाइक दो या तीन क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग और नॉर्मल एमसीक्यूज में, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के आते हैं, कहाँ से ली गई, कहाँ अप्लाई की जाती है, इंडिया ने कहाँ से ली, वर्ल्ड में कैसे आई थी, उसके मैंने केसेस भी आपको लिखवा रखे हैं. ये दोनों तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. आगे बढ़ते हैं, जो आप लोगों को इस स्लाइड पर नज़र आ रहा है उसमें नाम देखिए, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी. इन कम से कम 5 से 7 सब टॉपिक्स में आपको 3 या 4 क्वेश्चन हर साल पेपर में देखने को मिलेंगे. अब आप पॉलिटिकल साइंस का अटेम्प्ट कहीं भी देने बैठोगे, 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से अकेले आते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. एक हो गया आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सेक्शन, जहाँ पाई है, एडवर्ड शिल्ज है, ऑर्गेंस्की है, डेविड एप्टर है, वो वाला चैप्टर हो गया एक क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हो गई मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी, जैसे गिडिन्स हो गई. एक क्वेश्चन हो गया वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस वॉलरस्टीन का, उसका नाम आ जाता है या फिर एप्लीकेशन या उसके फीचर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई करिए कौन सा रॉन्ग है, राइट. एक क्वेश्चन आपका डिपेंडेंसी से, लेकिन वो एक पे नहीं सीमित रहता, दो हो ही जाता है डिपेंडेंसी के क्वेश्चन. डिपेंडेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने उसकी डेट याद रखनी है, लैटिन अमेरिका उसका रीजन याद करना है, इस्लामिक और लैटिन अमेरिकन थिंकर्स के नाम याद होने चाहिए, सबसे बड़े कौन से हैं, बाकी थिंकर्स कौन से हैं. सिंगर प्रेबिश की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, कोर, पेरेफरी, सेमी पेरेफरी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एप्लीकेशन, और कोर स्टेट पेरेफरी से क्या लेती है और पेरेफरी कोर से क्या लेता है, और सेमी पेरेफरी बीच में क्या रिलेशन अपनाता है दोनों का, वो आप लोगों को दो क्वेश्चंस 110% देगा. तो ये स्लाइड में या ये वीडियो में जो आपके लिए क्वेश्चंस है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आइडिया है, ठीक है. इसके बाद
दो क्वेश्चंस आएंगे कंपैरेटिव में पावर एलीट से, दो से ज़्यादा भी कई पेपर में मैंने ऑब्जर्व करे हैं क्वेश्चंस, बट ऑन एन एवरेज मैं इसको दो ही रखूँगी। तो दो में आ जाएगा आपका परेटो, मॉस्का, मिशेल्स, गसेट और मिल, पांचों के, ये जेएस मिल नहीं है, ठीक है, ये सारे ये पांचों के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अब कैसे, इनका प्लेस ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है थिंकर्स का, इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट सबके एक एक नाम के साथ अलग है, द मास माइंड, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये सब कुछ अलग अलग है, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, वो एक एक थिंकर का कॉन्सेप्ट, बुक्स और प्लेसेस ऑफ बर्थ एलीट्स में पूछे जाने लगे हैं। आजकल नए थिंकर्स बहुत पूछ रहा है, शम्पीटर पूछ रहा है और गसेट पूछ रहा है, ये याद रखिएगा कि आप परेटो, मॉस्का, मिशेल्स तक एलीट को सीमित मत करिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपके लिए बहुत ही कंसाइज सिलेबस करके दिया है कंपेरेटिव का, पर मैं इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, जहाँ से आपको मिलता है दो क्वेश्चंस, कई बार तीन भी, तीन कैसे मैं बताती हूँ, दो क्वेश्चन कई बार इलेक्टोरल सिस्टम से आ जाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से, कई बार एक क्वेश्चन इलेक्टोरल सिस्टम से आ जाता है और दो क्वेश्चन पार्टीज प्रेजेंट करंट अफेयर्स से, कौन से देश का कौन से स्टेट का इंडिया में सीएम कौन है, या कौन सी पार्टी का कोई सिंबल आ जाएगा, या फिर उसका कोई एक खास स्लोगन आ सकता है, वो आ जाता है क्वेश्चन में, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन से। और इलेक्टोरल सिस्टम हो गया वही पीआर हो गया, हमारे देश में किस किस के इलेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, FPTP हो गया, या फिर अमेरिका में क्या सिस्टम है, फ्रांस में, कनाडा में, इसकी मैचिंग लिस्ट आती है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जनरली इस पे भी आने को एक चांस रहता है। सो ये हो गया आपके कंपेरेटिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सुन के मज़ा आया होगा, जितना कि मुझे आपको शॉर्ट लेसन्स बताने में मज़ा आया। यू कैन चेक आउट अदर वीडियोज़ ऑन माई चैनल द पाठशाला, ऑल्सो फॉर एनी अदर डिटेल्स प्लीज लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू जॉइन मी ऑन ऑल अदर चैनल्स। थैंक यू वेरी वेरी मच, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके देन, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।